विस्तार की ज्योग्राफी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर इनके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। जैसे कि ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए पृथ्वी यानी अर्थ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें दिशाओं के बारे में, सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में जानना होगा। अगर ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से अगर हम इसको ऊपर जाते हैं तो हम नॉर्थ यानी उत्तर की ओर पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट से अगर हम इस साइड में जाएंगे तो हम पूरब की ओर पहुंच जाएंगे। अगर इस पॉइंट से हम नीचे की ओर जाते हैं तो हम दक्षिण की ओर पहुंच जाते हैं। इधर जाते हैं तो हम पश्चिम की ओर पहुंच जाते हैं, यानी ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। बोर्ड में हमेशा हमें दिशाओं को ध्यान में रखना पड़ता है, तो बोर्ड में हमेशा इस साइड में पूरब आएगा, इस साइड में पश्चिम आएगा, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर आएगा और नीचे दक्षिण आएगा। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का फ्रंट व्यू मान लीजिए ये है आपकी अर्थ, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर, या फिर इसको जीरो डिग्री लाइन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इसके हैं, ठीक है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य यानी भूमध्य रेखा कहते हैं। अब इसका ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। ऊपर वाला भाग जो होगा ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर वाला भाग। नीचे यानी इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला जो भाग है ये एक बाउल बनता है, आप देखिएगा ये कटोरा बनता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के ऊपर, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले पृथ्वी को ये वाला, अगर ये सेंटर है मान लीजिए, ये पृथ्वी का सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो ये वाला पूरब हो जाएगा, सेंटर से इधर हम आते हैं तो ये पश्चिम हो जाएगा, सेंटर से ऊपर आते हैं तो ये उत्तर हो जाएगा, सेंटर से नीचे आते हैं तो ये दक्षिण हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेटर है, ये वाली लाइन आपकी इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा अक्षांश क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश देखिएगा, अक्षांश एक तरह से ये जीरो डिग्री लाइन, ये भी अक्षांश है। पृथ्वी को केंद्र मानकर ये अगर हम प्रधान यामोत्तर कह देते हैं, तो पृथ्वी को केंद्र मानकर प्रधान यामोत्तर पर से केंद्र से हर बिंदु पर कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यानी अगर इसको हम यहां पर ये लाइन जीरो डिग्री मान लें, ठीक है, तो अगर यहां से हमने मान लो 10 डिग्री अक्षांश का, या मान लो 5 डिग्री अक्षांश, ये 5 डिग्री कोण है, ये 5 डिग्री कोण है मान लीजिए, इधर से भी हम क्या करेंगे 5 डिग्री कोण ले लेंगे, ये 5 डिग्री कोण है, तो ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री है, यानी ये लाइन हमने खींच ली, ये एक सीधी लाइन हो गई, तो ये क्या हो गया 5 डिग्री अक्षांश हो गया। ऐसे ही
हर एक डिग्री पर एक अक्षांश होता है, हर एक डिग्री पर एक अक्षांश होता है। जैसे मान लीजिए कि ये सेंटर है, इस पर एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, पांच डिग्री, छह डिग्री, इस तरह से मैक्सिमम वर्टिकल कितने डिग्री तक हो सकता है? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम 90 लाइंस ऊपर हो सकती हैं। तो ये 90 लाइंस क्या कहलाएंगे? अक्षांश कहलाएंगे। अक्षांश का मतलब जैसे पृथ्वी होती है गोल गोल, तो पृथ्वी के चारों तरफ इमेजिनरी लाइंस यानी होती हैं, हर सेंटर से हर एक डिग्री पर। तो इस तरह से ऊपर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस तरह से आपको ये लाइंस दिखेंगी। आप देखिएगा ग्लोब्स में इस तरह से आपको ये लाइंस दिखेंगी, ये लाइन दिखेंगी, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइंस टोटल 90 लाइंस होती हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में टोटल 90 अक्षांश होते हैं। इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होती हैं, ठीक है। हर एक डिग्री पर एक अक्षांश होगा, तो इस तरह से 90 अक्षांश हो जाएंगे, ठीक है। तो 90 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में, और एक अक्षांश ये वाला जीरो डिग्री अक्षांश, ठीक है। जिसे जीरो डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। तो एक डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा वाला। तो इस तरह से टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर अक्षांश या फिर लैटिट्यूड लैटिट्यूड की संख्या कितनी है? 181 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये मैं मिटा रहा हूं फिर से इसको। अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये तो हमारी इक्वेटर हो गई, ठीक, यानी जीरो डिग्री लाइन। ये हमारी अर्थ है, अब उत्तरी गोलार्ध में या फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री लाइन है। ये 23.5 डिग्री लाइन है, 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री लाइन। ये इधर सेंटर से भी 23.5 डिग्री होगी, इधर से भी, यानी ये अगर हम ये एंगल मेजर करते हैं ये सेंटर से, तो ये कितना होगा? 23.5 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अगर हम ये एंगल मेजर करते हैं तो ये एंगल कितना होगा? 23.5 डिग्री होगा। तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश जो है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, इसको, इस लाइन को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। या फिर इसी यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड पास होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री। ऐसे ही नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री लाइन पास होती है, 23.5 डिग्री लाइन, ये 23.5 डिग्री लाइन साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो लाइन पास होती है इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, यानी इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, या इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दक्षिणी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। जीरो डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं। ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ये 66.5 या फिर 66 डिग्री, 66.5 डिग्री इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, या फिर आर्कटिक सर्किल भी बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। क्योंकि ये लाइन क्या होती है, जैसे अर्थ होती है ना, तो अर्थ को चारों तरफ घेरे रहती है, इस तरह से इमेजिनरी लाइन होती है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इसे आर्कटिक सर्किल यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल कहलाएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहलाएगी, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर में मकर रेखा 23.5 डिग्री। ऐसे ही
साउथ हेमिस्फीयर में अगर 66.5 डिग्री जो वृत्त गुजरेगा या फिर जो सर्किल पास होगा उस सर्किल को हम लोग नाम देंगे अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्किल। ठीक, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, ध्यान दीजिएगा, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है। तो आप लोगों ने समझ लिया, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में, अंटार्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो अब हमने अक्षांश समझ लिए। अक्षांश जो होते हैं ये पृथ्वी को चारों तरफ इस तरह से रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये घेरे रहती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है अक्षांशों की संख्या? ये अक्षांशों की संख्या 181 होती है। ठीक है, 181 होती है। अब इस पर एक और क्वेश्चन बनता है कि हर एक डिग्री पर एक अक्षांश होता है, तो एक डिग्री अक्षांश के बीच का गैप कितना होता है? यानी जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, उसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। जैसे कि इसको समझना जरा, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री लाइन, ये इस तरह से अक्षांश है, ये सारे अक्षांश है। एक्चुअल में ये गोल गोल होते हैं, लेकिन इसका फ्रंट व्यू जब आप देखते हैं तो वो एक सीधी रेखा दिखाई देती है। ये सब अक्षांश है, ये इस तरह से अक्षांश है। तो मान लो ये 1 डिग्री का अक्षांश है, ये 2 डिग्री का अक्षांश मान लेते हैं, तो उसके बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, ये पूछ लिया जाता है। 1 डिग्री के अक्षांश के बीच का गैप जो होता है 111 किलोमीटर होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी अक्षांशों के बीच का गैप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इस तरह से 1 डिग्री, जैसे 1 डिग्री अक्षांश ये है कि दूसरा डिग्री अक्षांश ये है, तो इसके बीच का गैप दिया लगा हो गया ना, तो ये गैप कितना होता है 111 किलोमीटर होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है उसे हम देशांतर कहते हैं। तो देशांतर देखो क्या होता है, ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक, अब देखो उस समय मैं ये बताना भूल गया था, ये क्या, ये रीजन क्या होता है, पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी ध्रुव ये वाला रीजन, ये वाला रीजन उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये वाला रीजन दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली लाइन जो है ये लाइन वर्टिकल लाइन होती है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ये लाइन क्षैतिज लाइन होती है, यानी इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, यानी जो अक्षांश होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी क्षैतिज होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, वर्टिकल होती हैं, वर्टिकल। देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे ये पेन है तो ये क्या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लेकिन अगर ये पेन है जो आगे आपके सामने दिख रहा है ये क्या है, वर्टिकल है, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊपर नीचे, और ये, ठीक है, तो ये क्षैतिज है ये वाला और ये वाला ऊर्ध्वाधर है, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये जो हम देशांतर रेखाओं की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो देशांतर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पोल को मिलाने वाली ये लाइन। अब ये मान लो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड वाला हिस्सा मैंने कहा था, अगर आप इस साइड में ये दिशाओं का हमें हमेशा याद रखना है, इसको अगर हम 0 मानते हैं तो इस साइड में अगर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरब मिल जाएगा, इस साइड में आएंगे तो हमें पश्चिम मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, नीचे जाएंगे तो हमें दक्षिण मिल जाएगा। तो ये अगर मान लो हमने 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इसके इस साइड वाला क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके इस साइड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी ईस्ट हेमिस्फीयर
या फिर पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा ये, पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी गोलार्ध, यानी वेस्ट हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर या फिर पश्चिमी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक। यानी ये देशांतर मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध। अब देखिएगा ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको पॉइंट को मैंने यहां पर वो किया। तो अगर जैसे मान लो 0 डिग्री देशांतर यहां से यहां तक जा रहा है, तो 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री ये हो गया, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर 300 डिग्री। तो इस तरह से हर एक डिग्री पर एक देशांतर होता है पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। विषुवत रेखा पर मापी गई कोणीय दूरी को हम देशांतर कहते हैं। तो अगर ये 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री, दो, ये इस तरह से 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को, ये भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं, ये वर्टिकल होती हैं। इस तरह से पश्चिमी गोलार्ध में भी ये इस तरह की रेखाएं जो होती हैं, ये लंबी लंबी रेखाएं, ठीक है, ये तरबूज की तरह ये लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, इनको हम देशांतर कहते हैं, ठीक है। अब ये देशांतर रेखाएं, देशांतर, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या हर एक डिग्री पर एक देशांतर होती है, और टोटल ये 0 डिग्री है। अगर इसको पूरा सर्किल को कंप्लीट करेंगे हम तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो कितनी रेखाएं होंगी? 360 डिग्री, यानी 360 रेखाएं होंगी। कितनी देशांतर की संख्या? ये संख्या हो गई, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 360 हो गई। वो उसकी कितनी थी? 181 थी। इसकी कितनी है? यानी अक्षांश की संख्या कितनी थी? 181 थी, और देशांतर की संख्या 360 है, ठीक है। ये देशांतर हो गए। अब ये अगर 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री देशांतर जो आपके सामने दिख रहा है, इसी के जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जो 0 डिग्री देशांतर सामने है उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर होगा, ठीक है। तो उसके इस साइड में पूर्वी देशांतर, यानी ये वाले जितने भी होंगे, ये वाले पार्ट, ये वाले इस साइड में जितना भी, जितने भी देशांतर आपको दिख रहे हैं, ये वाले देशांतर जितने भी दिख रहे हैं, यानी इसको अगर हम, इसको अगर हम ढक दें इस साइड में, तो इस साइड वाला देशांतर जो दिख रहा होगा वो पूर्वी देशांतर होगा, इधर वाले देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे, ठीक है। सामने 0 डिग्री लाइन, ग्रीनविच लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन, इसी को हम बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, इसको जरा मैं मिटा रहा हूं फिर से एक बार, कि हमें स्थितियां याद करने के लिए, ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। ये अभी हमने देखा था क्या, 0 डिग्री अक्षांश, इसको क्या बोलते थे? विषुवत रेखा भी बोलते थे, भूमध्य रेखा भी बोलते थे, 0 डिग्री लाइन भी बोलते थे इसको, ठीक है। पृथ्वी को दो बड़ा भागों में बांट रहे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब 0 डिग्री देशांतर ये हो गया, 0 डिग्री अक्षांश ये, 0 डिग्री देशांतर ये, आपके सामने इसका फ्रंट व्यू। तो ऊपर वाला हाफ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला हाफ साउथ हेमिस्फीयर, इसी तरह से इस साइड में पूरा, इस लाइन के इस साइड में, इस साइड में जो पूरा हेमिस्फीयर दिख रहा है वो ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध। इसके इस साइड में जो ये रीजन है, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अगर हम कंडीशन देखते हैं, ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट होगा, अगर इसकी हम बात करते हैं, ये वाले की, तो आप लोग देख रहे हैं ये उत्तर में भी है और पूरब में भी है। तो इधर क्या होगा? उत्तर, पूरब, ये वाली अगर इसकी बात करते हैं, इस वाले रीजन में जो कंट्री पड़ेंगे,
ठीक है, तो वो किधर होंगे, उत्तर भी होंगे और पश्चिम होंगे, क्योंकि साइड वाला पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर है, तो उत्तर पश्चिम हो गया। इसी तरह से ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा होगा, जहां यहाँ पर जो कंट्री पड़ेगी वो होगा दक्षिण पश्चिम, यानी साउथ वेस्ट। ये वाला रीजन कौन सा होगा, दक्षिण पूरब या फिर साउथ ईस्ट। ठीक, ये वाला रीजन कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। ये वाला रीजन कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इस साइड में अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया जो है, हमारा भारत जो है, वो इस वाले हेमिस्फीयर में पड़ता है, वो भी इसमें। तो इंडिया की जो कुछ कंडीशन कुछ आपको अगर दिख रहा, हालांकि मैं अभी बना उस तरह से तो नहीं पाऊंगा, कुछ इस तरह से इंडिया की कंडीशन है, ये हमारा भारत है। ये किस रीजन में पड़ता है, उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट में भारत पड़ता है पृथ्वी के ग्लोब्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक यहां से अक्षांश पास हो रहा होगा, एक अक्षांश पृथ्वी यहां से पास हो रहा होगा। ठीक है, तो इन दो अक्षांश के बीच में हमारा भारत होगा। फिर एक देशांतर यहां से पास हो रहा होगा, एक देशांतर यहां से पास हो रहा होगा। तो हमें अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये देशांतर, सॉरी ये अक्षांश, ये अक्षांश, ये देशांतर हमारे भारत की स्थिति। तो ये देशांतर है, और ऑब्वियस सी बात, भारत जो होगा पूर्वी देशांतर के उसमें पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश होगा यहां से। तो ये हो गए थे हमारे देशांतर, और देशांतर के बीच का गैप, यानी कोई दो देशांतर के बीच का गैप कितना होता है, ये पूछ लिया जाता है कि 1 डिग्री देशांतर मान लीजिए ये है, फिर दूसरा डिग्री देशांतर कौन सा है, ये वाला देशांतर है इस तरह से। ठीक है, 3 डिग्री देशांतर ये वाला, 4 डिग्री देशांतर ये वाला। तो उसके बीच का जो ये गैप होता है, ये गैप, ये इसकी जो दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि किन्हीं दो क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी है, तो 111.32 किलोमीटर। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो दूरी है आप लोग देख रहे हैं, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा, अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं तो नॉर्थ और साउथ में जैसे जैसे ये पोल की तरफ, यानी यहां पर देशांतर, जैसे ये देशांतर 0 डिग्री है, और यहां पर ये देशांतर है, फिर दूसरा देशांतर है, फिर ये देशांतर, ये सब देशांतर रेखाएं हैं, ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, ये वेस्ट की देशांतर रेखाएं हैं। तो इनके इनके बीच का जो आप गैप देख रहे हैं 111 किलोमीटर, ये मैक्सिमम जो होता है ये इक्वेटर पर होता है, इसके बाद में पोल पर ये गैप कम होता जाता है। तो इसीलिए इक्वेटर पर 111.32 किलोमीटर विषुवत रेखा के बीच में गैप जो होता है, और किन्हीं दो ये देशांतर का बीच का गैप है, यानी लॉन्गिट्यूड के, किन्हीं दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो ये गैप है वो इतना होता है, किन्हीं दो लैटिट्यूड के बीच का जो गैप होगा 111 किलोमीटर होता है, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी ग्रीनविच लाइन टाइम कैसे फाइंड करते हैं, और भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, और विश्व में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कहाँ पे क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थैंक यू, एंड मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।